So good morning from Belgavi, and right now we are on the way to our meetup, which is happening at the Exor factory. We are right now standing at Marriott, which is like Fairfield by Marriott in Belgavi. When we talk about a hotel or any stay, that has to be very, very comfortable. And to be very honest, when you are on a highway, you look forward to a place which is comfortable and at the same time, which is on the highway. Or I should say, it is the perfect pit stop when you are going from point A to point B. And talking about this place, this hotel, it is right in the center of Pune and Mumbai. Pit stop is good, but for a biker, we must keep moving. So let us move on to our day, that is with the meetup, and then we will proceed to Mumbai. Hi guys, this is Deepak, और आज मेरी राइड का सेकेंड डे है. रोड ट्रिप यूनाइटेड 2022 चल रहा है और राइट नाउ अभी हम हैं फेयरफील्ड मैरियट में और यहाँ से हम जा रहे हैं मीटअप के लिए, और मीटअप हो रहा है बेलगाम में ही. ये खड़ी जी अपनी बाइक के, कल मैंने बूसा चलाई थी, आज पता नहीं कौन सी चलाने को मिलेगी. बाकी एक बार मैं फिर दोबारा से आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी बाइकें इस रोड ट्रिप में यूज़ हो रही है. बूसा है, पल्सर 250F, अपाचे RR 310, माइटी टाइगर 1200, मैं चलाता हूँ 800 वैसे मेरे घर पर है. बाकी उसको तो मैं हर जगह लेके गया हूँ, लेकिन भाई जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि इसकी जो सीट हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो शायद ये मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए चलाऊँ या फिर ना ही चलाऊँ. कल का जो एक्सपीरियंस रहा मेरा हायाबुसा को चलाने का, वो एक नंबर रहा, मज़ा आया. घाट सेक्शन थे. बेलगाम मीटअप करके हम आज जाएंगे टूवर्ड्स पुणे, और कल पुणे और मुंबई का एक कम्बाइंड मीटअप है. So very excited to meet Belgaum people as well as Pune Mumbai people tomorrow. बाकी आज मैं चलाने वाला हूँ अपाची RR 310. टाइम हो गया है 7:50. वैसे अपाची को भी चलाने में मज़ा आ रहा है. एक्चुअली इस पर मैंने एक राइड करी थी ट्रेसिंग द रूट, जिसमें कि ऑलमोस्ट हाफ इंडिया कवर किया था. 15-16 दिन चलाई थी बाइक, और इंडिया के 4 जो रेसिंग सर्किट्स हैं वहाँ तक गए थे और उन पर बाइक चलाई थी. मियाँ है कार मध्ये नहीं, मियाँ है थार मध्ये. आणि आम्ही चाललो आता बेळगाव मीटअपला. आजच्या दिवसात आपण बेळगाव मीटअप करणार आहोत. तिथे गप्पा गोष्टी करणार, आपली काही मंडळी येत आहेत तिथे. त्यानंतर जाणार आहोत पुण्याच्या दिशेने. उद्या आहे मुंबई पुण्याचं कंबाईन मीटअप, ते मीटअप करून मी मुंबईला जाणार आणि तिथे माझी राईड एंड होणार. ब्रेकिंग भी काफी अच्छी है इसकी, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए बूसा या फिर मेरी टाइगर से, तो उससे तो 19-20 का फर्क है. 19-20 का ही नहीं बोलूंगा, 18-20 का बोलूंगा. लेकिन ऑल इन ऑल एक बहुत बढ़िया बाइक है अपाचे RR 310, और जो नया वाला लुक आया है इसका वो बहुत ही शानदार है, जो रेड एंड वाइट वाले कलर में आया है. बेळगाव मध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. राइट नाउ हम पहुंच चुके हैं बेलगांव, और ये रहे हमारे दोस्त, बेलगांव से हैं सब. हाय बोलो. हाय, क्या बात है यार, मज़ा आ गया मिलके सभी से. और काफ़ी देर से मैं इनसे बातें कर रहा हूँ यार, मज़ा आया, सीरियसली मज़ा आया. और अपनी जो स्टोरीज है वो शेयर कर रहे हैं हम. Good morning, Belgaum. Good morning. Awesome. We are right now on the Road Trip United. So, Road Trip United के बारे में कौन-कौन जानता है? First of all, I would really like to thank Peter Exor Vega for hosting us here. We are right now on the Road Trip United 2022. Now, as the name suggests, Road Trip United. So, we are going all around India, doing a road trip. With the motive of uniting different bikers and biking clubs to come together, ride united, and always ride safe. Now, talking about safety is दो तरीके की होती है safety. एक जो बाहर से है, एक जो अंदर से है. Riding gears, सबसे पहला एक मैंने सुना helmet. Of course, वेगा में खड़े हैं, helmet तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए. यहाँ हेलमेट बनते हैं. एक्चुअली वेगा मेक्स ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, एक्सोर, राइट? सो आई थिंक दिस इज द ओनली ब्रांड राइट नाउ इन द इंटायर कंट्री
that is protecting bikers from head to toe. Yes, that is the only brand. जो हेलमेट भी बनाते हैं, जैकेट भी बनाते हैं, पैंट्स बनाते हैं, ग्लव्स भी बनाते हैं, बूट्स भी बनाते हैं, और यहाँ तक कि नॉट ओनली प्रोटेक्टिंग यू, दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग योर लगेज. यू आर सेफ एक्सटर्नली विद ऑल दीज फैक्टर्स. इंटरनली यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग ओनली वेन यू आर प्रोटेक्टेड विद योर फीलिंग्स. मेंटली स्ट्रांग, तो मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए कई बार जब लोग डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, और मे बी कई बार शॉक में दे स्टार्ट टू डू बैड हैबिट्स, अल्कोहल, ड्रग्स. तो हमारा इस बार का एक बहुत बड़ा कॉज हम लोग जो लेके चल रहे हैं साथ में, दैट इज ऑफ से नो टू ड्रग्स, राइट. जिसके लिए हम लोगों ने स्टेयर्स एनजीओ के साथ में भी हाथ मिलाया है, और वी आर रेजिंग फंड्स फॉर देम, एंड वट एवर फंड्स वी आर गोइंग टू रेज विल गो डायरेक्टली टू वे टू स्टेयर्स विद अस ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स. नाउ एज आई मैंशन, दिस इज रोड ट्रिप यूनाइटेड. तो यूनाइट जब कर रहे हैं तो सिर्फ बाइकर्स को ही नहीं कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो यूनाइटिंग मशीन्स. बाइकर्स कोई भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर कि आपके पास कौन सी बाइक है. बाइक को नहीं पता कि वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ठीक है. उसका काम है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना. वो उसके साथ हम अपना कनेक्शन कैसा बनाते हैं वो हमारे ऊपर है. तो इसीलिए हम लोगों के पास में अगर आप देखोगे तो एक 125 सीसी का एंटॉर्क भी है, और वहीं 1200 सीसी की टाइगर भी है, राइट. हायाबूसा भी है, आरआर 310 भी है, पल्सर भी है. पल्सर अभी साथ में नहीं है, लेकिन पल्सर भी है. तो हमारे पास हर तरीके की बाइक है. तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग नाउ. इसको करने के लिए हमारे साथ में डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जो राइड कर रहे हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट दोज हु हैव बीन राइडिंग विद अस. नाउ फर्स्ट वी हैव अथर्वा आउटराइडर. कौन कौन जानता है अथर्वा को? यस, ऑलमोस्ट सब लोग, दैट इज़ ग्रेट. परेश शिंदे, वो अपनी स्टोरी बना रहे ऑन व्हील्स. ऑल राइट, देन वी हैव दीपक गुप्ता. यस, एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर. ये तीन हमारी त्रिमूर्ति हैं, तीन धुरंधर हैं जैसा परेश ने बोला, जो हमारे साथ में अभी एज अ गेस्ट राइडर राइड कर रहे हैं. लेकिन एक और शख्स हमारे साथ में है जो गेस्ट राइडर की तरह हमारे इस राइड में आके जा चुका है, अब वापस आज सी हमसे मिलने के लिए आया है, प्रदीप ऑन व्हील्स. सुप्रभात बेळगावकर, कसे आहात सगळे? थँक यू सो मच फॉर कमिंग. माय सेल्फ परेश शिंदे, आय एम बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, अँड माय पॅशन इज यू नो इन टू टूरिंग. आय डू माय 9 to 6 जॉब अँड आय डू ट्रॅव्हल ऑन वीकेंड्स. विथ XBHP दिस इज माय सेकंड रोड ट्रिप. लास्ट इयर 2021 मे बी आय वॉज अ पार्ट ऑफ XBHP Road Trip United 2021, and glad I'm here again, Road Trip United 2022. Specially, ये जो road trip है, इसका जो motto है, that drives me here, you know, say yes to motorcycling and say no to drugs. This is Deepak, और मैं एक मोटो ब्लॉगर हूँ, और मेरे चैनल का नाम है एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर. काफ़ी सालों से राइड कर रहा हूँ, और करीबन 12 साल से मैं XBHP के साथ राइड कर रहा हूँ, और बहुत सारी राइड्स करी हैं. अगर मैं स्पेशल वन बताऊँ तो XBHP के साथ मेरी थी म्यांमार वाली राइड, जिसमें कि ग्रेट एशियन ओडिसी हुई थी. लेकिन जो पहली राइड थी मेरी, वो थी फ्लिकर राइड, तो वो थी 2012 में. तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ XBHP के साथ, और XBHP एक ऐसा फोरम भी बोलेंगे, क्योंकि उस टाइम जब मैं जुड़ा था तो फोरम होते थे, लेकिन आजकल क्या है कि मोटो व्लॉग्स चल रहे हैं, तो लाइव चल रहा है सब कुछ. से नो टू ड्रग्स, तो नशे करो लेकिन ट्रैवलिंग के करो, घूमो फिरो, कैप्चर करो मोमेंट्स, ज़िंदगी को एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, वो सबसे ज़्यादा बेटर है, ना कि इन सब चीज़ों में पढ़ो. सो गुड मॉर्निंग बेलगाम, अच्छा लगा आप सब लोग यहाँ पर आए हो. सो माय नेम इज़ अथर्वा उदावंत, आल्सो आई एम नोन एज अथर्वा आउटराइडर अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. और ये मेरी सेकंड रोड ट्रिप यूनाइटेड है. लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पर आया था, ये फैक्ट्री अंदर से देखी थी, और XBHP के साथ मैं 3 साल से राइड कर रहा हूँ. आप बाइकिंग की वजह से यहाँ पर आए हो, एंड दैट्स इनफ. वी जस्ट नीड व्हील्स, बीट साइकिल, बीट मोटरसाइकिल, बीट स्कूटी, अपने को नशे हो जाते हैं आराम से, एकदम बढ़िया. सो आई रोड विद XBHP रोड ट्रिप यूनाइटेड फ्रॉम बैंगलोर ऑन इट द एंटायर साउथ सर्किट, एंड आई एंडेड माय राइड इन कोयम्बतूर. माय गॉड, अमेजिंग 7 days राइडिंग ऑल दिस मशीन्स विद दिस ग्रेट पीपल. सो आई स्टार्टेड माय राइडिंग आफ्टर लाइक इन बिटवीन माय कॉलेज व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, एंड आई वाज यूजिंग अ वेगा हेलमेट, सो विच वाज कॉस्टिंग मी अबाउट 1,000-1,500. बट यू नो एज अ राइडर वी वॉन्ट टू बाय बिग हेलमेट्स, but we'll not be able to afford them because
helmets and riding gears are super expensive. That's when I got my first premium kind of helmet, and that's Axor. And it was so affordable, yet it looks very premium. You can see in his hand as well. And I hope we will ride on many, many rides together. Thank you. I also did my first India ride with XBHP. I was using a Vega helmet on 8 Ducati Monsters. So back then there was no Ducati in India. Those 8 Ducatis were specially imported for us for that ride from Italy to India. So Vega has been protecting, I think, heads of millions of bikers so far. And not only in India, but बहुत सारी अलग अलग countries के अंदर भी. So वो जो connection है ना, मतलब हम लोग इतने सालों से बोलते आ रहे हैं ride safe. XBHP और Axor के साथ मिलकर हमारी helmet की range भी launch करी. First helmet was named as a hashtag 16 years of XBHP. The second helmet is Speed of Thought, which is the special edition helmet, which is still available. 299 is the speed of thought number, which is the, like, you know, near to your guardian angel. So that is third helmet, which we have recently launched on the occasion of Road Trip United. So that is I-19, because XBHP has turned 19, and 19 is the last teenager age. Wow. Blue, and is one double tone mein we have launched it. One side it's the blue tone majorly and the red tone, and we have a colored spoiler at the back. This is the another color variant, and this is the pink and the, you know, lilac tone, having the matching spoiler along with the contrast. It's not that it's women centric, because you know motorcycles are women centric nahi hai ya male centric nahi hai, to fir helmet kaise ho sakta hai? So it is like ki aap koi bhi color is color, right? Aap black pehno, white pehno, koi bhi multicolor, so that you can wear pink as well, you can wear. Itne sare biking cities mein jaake biking clubs ko hum log milte hain. That is only happening because of two things. One is because of the bikers like you. हम लोग ये कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द पार्टनर्स हु एक्चुअली अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, दिस फिलॉसफी, एंड दे केम फॉरवर्ड टू सपोर्ट अस. जस्ट लाइक वेगा, लाइक Axor, दे हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. एंड वेगा एंड Axor, लाइक दे आर नॉट जस्ट पार्टनरिंग इन दिस पर्टिकुलर राइड, दे आर अवर एनुअल पार्टनर्स एज वेल. वी ऑल्सो प्लेज टूगेदर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ बाइकर्स, एंड दैट इज हाउ वी हैव कम आउट विद द हेलमेट्स, XBHP Axor हेलमेट्स. वी ऑल are really thankful to them, and also to ensure that the content that we are creating goes to you, reaches to you in real time. So we have OnePlus and Acer as our technology partners, so wherein OnePlus is our phone. So JK Tire is helping us with the right set of tires in this ride. RR310 par we have JK Tires, वैसे सब पर ही है, मतलब Entorq पर भी है, RR310 में भी है, Thar में भी है, Pulsar में भी है. बट मैंने RR310 इसलिए बोला क्योंकि RR310 के अंदर अभी तक OEM साइज़ के टायर्स नहीं आते थे JK से. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव 150 सेक्शन टायर, विच वॉज नॉट देयर फ्रॉम JK अर्लियर. गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम मिस्टर सुब्रम, आई एम विथ माई टीम राहुल, स्वप्निल एंड उत्कर्ष. वी आर रिसेंटली लॉन्च अवर राइडर रेंज ऑफ टायर्स. यू यूज ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर वेरी सेफ फॉर यू. बी केयरफुल, use good tires. These are the ranges, you can see the range of our tires, rider range of tires. Kyunki iske andar jo cheez hai that actually keeps you safe in a way that your bikes are safe, right? Nahi, so motorcycling is all about dreaming and doing it better, and that's where it has been for us. We live the motorcycling town of Belgaum, and not just that, it started with a small dream with me and my brother Philip, both of us starting with a Z800. He's also got a ZX10R, I've got a Z800, we had a Daytona and multiple bikes. We had the H2 Carbon. So safety can never be expensive or very hard to afford. So that's our always key point, that we make it accessible to everyone. Helmets have helmet safety gears, because motorcycles we are buying at whatever price, and then safety gears becomes a difficult task for us to go for it. I the biker, we the power. I the biker, we the power. I the biker, we the power. Great.
आपको अंदर से दिखाते हैं वेगा की जो फैक्ट्री है वो कैसी है। एंट्रेंस यहाँ की, यहाँ पर सारे ये हेलमेट ही होंगे मेरे ख्याल से। हाँ जी, ये देखो कितने सारे हेलमेट लगे हुए हैं एक्सोर के। नाइस, चलो आज वर्कर कोई नहीं है। ओ भाई साहब, ये कहाँ आ गया मैं। ये पूरा प्रोडक्शन होता है यहाँ पर हेलमेट्स का। अभी तो मशीन्स वगैरह, गजब 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 गजब। ये आउटर शेल है सी। लेकिन यार पहली बार मैं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, किसी इतनी बड़ी फैक्ट्री में आया हूँ वो भी हेलमेट की। कलर कॉम्बिनेशन देखो यार कितने गजब गजब के हैं। और ये आ गया नियॉन। इस टाइम अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट में एक्सोर ने बिल्कुल भाई साहब बवाल मचा रखा है। ये देखो, और ये वाली सीरीज काफी फेमस हो चुकी है इस टाइम। वेनमस वेगा मध्ये आहे, त्यांच्या कॉन्फरन्स रूम मध्ये, ऑफिस मध्ये। सो इथे ना आपल्याला वेगवेगळे प्रोडक्ट्स बघायला मिळतात, एक्सोरचे, वेगाचे। कॅन यू इमॅजिन, हा त्यांचा कॉन्फरन्स रूम आहे, सी दिस। इथे बसून डिस्कशन होतं। ये आता प्रोडक्ट्स, इथे प्रोडक्ट्स आहेत। हा एक नवीन प्रोडक्ट आहे जो IBW लाँच झाला आहे त्यांचा। गाइज, हा आहे आपला कॉकपिट व्ह्यू। नवीन बाईक, वेगळी बाईक काहीतरी आज चालवतोय, ट्रायम्फ टायगर 1200। हे आपले एक्सॉरचे बंडई। मेक सम न्यू फ्रेंड्स बाय। 200-300 मीटरवरच हायवे बघ, हायवे आला, हा हायवेच आहे। ॲक्च्युली ही ना खूप हेवी बाईक आहे, पण जेव्हा हायवेला लागतो ना आपण, तेव्हा खूप खूप जास्त स्मूथ आणि यु नो इझी टू नॅव्हिगेट, खूप चांगली होते। आता मला फील होत आहे ते हो जागा शॉर्ट शॉर्ट आहे। बाकी अपाचे RR 310 मी छोड दिया, अब पकड लिया भूसा। चिपलून 98 रह गया, 1752 कराड 1 किलोमीटर है। जी हाँ, हम कराड पहुँच चुके हैं। राइट हैंड साइड पे कराड की जो सिटी है वो नज़र आ रही है। स्पीड अपनी मतलब ठीक ठाक है, सिटी है तो थोड़ा सा धीरे ही चलेंगे। ये लिखा हुआ कराड शहर सावकाश झा, और ये महाराष्ट्र है पूरा। तो महाराष्ट्र वालों को, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा कि मराठी में क्या बोलते हैं। वैसे महाराष्ट्र वालों को सभी को नमस्कार DG भैया का। जब मैंने चलाई थी तो रोड ट्रिप यूनाइटेड पर ही चलाई थी 2021 में, और यहाँ से दिखा रहा है 59 मिनट्स 50 किलोमीटर के आसपास। सो गाइस, होटल देखो यार, क्या होटल बना हुआ है। इंडिया में ऐसा होटल एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन देखो ऐसा लग रहा है कि मैं चाइना में आ गया हूँ। चाइना वाली फील आ रही है पूरी। अल्टीमेट बनाया हुआ है, सी ब्यूटीफुल। ऊपर से कवर्ड है और चारों तरफ ये रूम्स ही रूम्स।